ओके चलिए ठीक है, सभी है यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया भैया अपना, ठीक है। इसके बाद ये जो था पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी है बेटा। पी स्क्वायर भी इज इक्वल टू वन है, बायनोमियल इक्वेशन जो है, ठीक है, वही बात बोला है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू जरूर आता है। फाइव फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना। तो अपन को पहले से ही पता है बेटा, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, ठीक है, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये पांच चीज़ें हैं जो हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकती है। मतलब पी प्लस क्यू डज नॉट इक्वल्स टू वन, और अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, ये इंडिकेट होता है। ओके ठीक है, चलिए। इसके बाद फाउंडर्स इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। फाउंडर्स इफेक्ट मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे या कुछ लोग होंगे जो नई जगह पे जाके अपना पूरा नया बसेरा बसाएंगे। तो इस चीज़ को क्या बोला था, उन्होंने किस तरह से का काम किया है, फाउंडिंग मेंबर की तरह काम किया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वही बात को फिर से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मैक्सिमम पीपल जब लेते हैं मीन वैल्यू को, तो उसको बोलते हैं बेटा नेचुरल सिलेक्शन इन अ डिफरेंट पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन कैन बी स्टेबिलाइजिंग, ठीक है। जब मैक्सिमम पीपल एक्वायर मीन वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबिलाइजिंग ग्राफ। उसके बाद क्या बोला है, अगर एक डायरेक्शन मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल ग्राफ, या डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिल रही है उसको। एंड अगर डिसरप्टिव हो रहा है, मोर इंडिविजुअल अक्वायर पेरिफेरल और एंड, ठीक है, ये है पेरिफेरी और ये है एंड वाला, तो बीच में कोई नहीं रहता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव बोलते हैं कर्व, ठीक है। यही चीज़ें इसके एंड में भी दी हुई है। ओके चलिए अब पढ़ते हैं बेटा, एक छोटी सी है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस कभी कभी रहते हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको याद रखेंगे अपन, ठीक है। निशिका कैन यू रीड दिस फॉर मी, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, बेटा यहाँ से पढ़ो, ठीक है। Ago, the first cellular form of life appeared on Earth. The mechanism of how non-cellular aggregations of giant macromolecules could evolve into cells with membranous envelope is not known. Some of these cells have the ability to release O2. The reaction. बस रुक जाओ, अभी मुझे एक बात बताओ, when does first. Sir, next page. नहीं नहीं रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, के वेन डिड द फर्स्ट असेलुलर लाइफ केम इन टू एग्जिस्टेंस, फर्स्ट असेलुलर, यस आपको पता है फर्स्ट असेलुलर लाइफ जो थी वो 3 बिलियन ईयर अगो आई थी। 3 बिलियन ईयर अगो मतलब 3000 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, 3000 मिलियन ईयर अगो। अब ये क्या बोल रहा है, सेल्यूलर लाइफ फॉर्म, फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म जो है बेटा 2000 मिलियन ईयर अगो, मतलब 2 बिलियन ईयर अगो आई थी। यहाँ पे भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देते हैं एग्जामिनर, कभी कभी ना आपको ऐसे एड़ा बनाता है, वेरी क्लियर। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है बेटा, कि जब भी ये पूछा जाए कि वेन अ सेलुलर लाइफ फॉर्म आया था, तो वो 3 बिलियन था बेटा, एंड जो सेलुलर लाइफ फॉर्म था वो 2 बिलियन ईयर अगो था, ठीक है। चलिए इसके आगे, इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, मैकेनिज्म हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कवर इन मेम्ब्रेनस एनवेलप इज नॉट नोन। अभी तक अपने को पता नहीं है कि कैसे वो एग्रीगेट हुए थे, लेकिन इसका एक मैंने आपको एक बता दिया था कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें एक्ट की थी, लाइटनिंग हुई थी, इसके बाद इनको बहुत ठंडा होने का टाइम मिला था, इसके इसकी वजह से ये एक सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल उस टाइम पे था आरएनए, इसको प्रोटीन की कवरिंग भी चढ़ गई थी, वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये या बात अपने को याद रखना है। ओके चलिए इसके बाद ये वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। ये देखिए एक बार मैं आपको ये बता दूं बेटा, कि ये वाला जो है ना, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल कम है। सिर्फ तीन चीजें इसमें से याद रखिए, कि पैलियोजॉइक एरा, मीजोजॉइक एरा एंड सीनोजॉइक एरा, ठीक है। तो सीनोजॉइक एरा जो है ये सबसे लेटेस्ट है, एंड सबसे पुराना वाला क्या है, ठीक है, इसमें
पैलियोजॉइक एरा, एंड पैलियोजॉइक एरा में बहुत सारे फिर पीरियड आ रहे थे, सुरेरियन पीरियड, फिर पेरसिमिन पीरियड, फिर ट्राइसिक पीरियड किस में आ रहा था, मीजोजॉइक एरा में आ रहा था, फिर जुरासिक पीरियड भी किस में आ रहा था, मीजोजॉइक एरा में, एंड इसके अंदर फिर बहुत सारे इपोच आते हैं जो कि यहाँ पे नहीं दिए है बेटा। इसके ऊपर एमसीक्यू आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, आएगा ही नहीं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए तो इसको पढ़िए बेटा, निशिका रीड दिस आउट। Similar to the light reactions in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy, capturing and channelized by appropriate light harvesting pigments. Slowly, single celled organisms became multicellular life forms. By the time of 500 million years, invertebrates were formed and active. Jawless fishes probably evolved around 350 million years ago. Seaweeds and few plants existed probably around 320 million years. We are told that the first organism that invaded plants, they were widespread on land when animals invaded land. Fish with short and ओके strong ओके एक tails सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुक जाइए बेटा। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इस लैंड के ऊपर कौन आया था आपके सामने? मैं आपको दो से तीन ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहले लैंड पे कौन आया था? सबसे पहले एनिमल्स आए थे, या सबसे पहले कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म था कि जो पहले लैंड पे पहुंच गया था? एनीवन, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी इन्वेडेड टू लैंड फ्रॉम वाटर? आंसर इज फिश और एम्फीबिया और प्लांट्स और ए और बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो वाटर को छोड़ के लैंड पे आया था? योर ऑप्शंस आर नंबर वन फिश, नंबर टू एम्फीबिया, नंबर तीन है बेटा प्लांट्स। बताइए व्हाट्स योर ऑप्शन, व्हाट्स योर करेक्ट आंसर? ठीक है बेटा, एम्फीबिया एम्फीबिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई लोग। ये देखो जरा प्लांट्स सा, प्लांट्स ये देखो, प्लांट्स हाँ ये क्वेश्चन आया था एम्स में और सभी लोगों ने गलत कर दिया था। बात यही है, देखिए आपको लगेगा कि सबसे पहले फिशेज आई होगी एंड उसने फिर ड्यूअल लाइफ को स्टार्ट किया होगा, लेकिन इसका आंसर है बेटा प्लांट्स। क्यों प्लांट्स है इसका एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए, क्योंकि अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि ये जो है बेटा ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले अगर कोई एनिमल होता एंड उसको बाहर जाना है तो वो उसको पहले खाने पीने की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उसकी, तो इसलिए वाटर में से जो पहले एक्वाटिक प्लांट्स थे वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए, ताकि ये जब एनिमल इसके बाहर आए वाटर का तो उसके खाने पीने का इंतजाम पहले से रहे, नहीं तो वो भूखा मर जाएगा। वेरी क्लियर। इस वजह से द फर्स्ट एनिमल्स या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड्स वर प्लांट्स, ठीक है। इसके ऊपर बेटा एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब एम्स बंद हो गए लेकिन इसके चांसेस है कि ये आ सकता है करके, ठीक है, क्योंकि ये बट ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म, जॉलस फिशेस कब इन्वॉल्व हुई थी 350 मिलियन अगो, एंड वीड्स कब आए थे, सी वीड्स ये आए थे 320 मिलियन ईयर अगो। ये तीनों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ना। चलिए उसके आगे का पढ़िए बेटा। We are told that the first organism that invaded land were plants. They were widespread on land when animals invaded land. Fish with short and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago in 1938. A fish caught in South Africa, happening to be a Collin cat, which was thought to be extinct. These animals called lobe fins evolved into the ठीक है, बस रुकिए। ये जो था ना, देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रिश विथ स्नॉट विथ स्टाउट, स्टाउट का मतलब क्या होता है, पाउट, ठीक है। ये जो पाउट होता है ना इनका, ठीक है, ये जो फिश रहती है, फिश का ये वाला जो हिस्सा होता है आगे वाला, इसको स्नाउट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्पाउट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो होता है विथ स्ट्रॉन्ग स्पाउट एंड इसके पास जो फिन होती है, स्ट्रॉन्ग फिन,
इसकी वजह से ये लैंड के बाहर जाती थी। अब ऐसी ही एक फिश थी जिसका अपने को फॉसिल मिला था, उसका नाम था बेटा कॉलियोकैंथ। एंड ये जो कॉलियोकैंथ थी, अपने को लगा था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ये फिश अपने को फिर से मिली थी बेटा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में 1938 में ये फिर से मिल गई थी। एंड इसका एक डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बेटा, जस्ट अ सेकेंड, इसका एक सेकेंड, इसका एक डायग्राम होगा अपने पास ज़रूर, फॉर श्योर। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुकी फिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने को वापस मिली है, वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं बेटा एक बार। यस, दिस इज कोलियोकैथ, दिखाई दे रही है बेटा आप सभी को? ठीक है, तो दिस इज कोलियोकैथ, फेमस लिविंग फॉसिल इसको बोलते हैं बेटा। लिविंग फॉसिल इसलिए बोलते हैं कि अपने को लगा था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर से अपने को 1938 में ये वापस मिली थी साउथ अफ्रीका में, एक फिशरमैन को ये मिली थी, वेरी क्लियर। तो दिस इज कोलियोकैथ, ये आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, चलिए ओके। इसके अलावा बहुत सारे उस टाइम पे बेटा एनिमल्स थे कि जो जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जैसे अगर आप बोलेंगे तो दिस इज, ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज पानी में रहने वाला डायनासोर, ठीक है, ये है जो है ये उड़ने वाला डायनासोर है, और ये बाकी जो है बेटा ये चलने वाले डायनासोर से। तो अगर आप बोलेंगे एयर, एयर पे भी आपको बताया था मैंने बेटा लिथोग्राफिया, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि एक उड़ने वाला डायनो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया, और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे वो उड़ते भी थे एयर में, कुछ चलने वाले डायनासोर थे बेटा, एंड कुछ जो थे ये भी डायनासोर एक टाइप है बेटा कि जो पानी में रहता था उस टाइम पे, ठीक है। तो एयर, लैंड, वाटर, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ कौन से थे, डायनासोर्स एंड रेप्टाइल्स अवेलेबल थे, है ना, उस टाइम पे, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो अपन कहाँ पे थे भैया, ठीक है, तो एक बार उसी चीज़ पे आ जाते हैं बेटा अपन वापस। ठीक है, मैंने एक शायद किसी ने मुझे पूछा था आज कि सर दो को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया कभी नहीं होता है करके, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर दिया था बेटा कि भगवान जब एक चीज़ ले लेता है ना, उसके बदले में दूसरी चीज़ आपको दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आपकी आँखों की शक्ति चली गई है, तो उसके अंदर आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सुनने की पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड आपका सिक्स सेंस भी बढ़ जाता है। उसी तरह अगर आप बोलेंगे इवोल्यूशन में किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है, मतलब HBS एंड HBA, ये वाला तो ज़िंदा रहेगा ना, एंड अच्छे से सर्वाइव भी कर जाएगा, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो जिनको सिकल सेल होती है, इनको मलेरिया कभी नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो DDT रेजिस्टेंस मॉस्किटो है, एंड ये जो है सिकल सेल एनीमिया जिनको मलेरिया नहीं होता, ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो कोलियोकैथ पे अपन पहुंच चुके थे, ठीक है, आएगा वो थोड़ी देर में, मैं फिर से रिपाइज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें से भी आने के चांसेस कुछ बनते नहीं है बेटा, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम है ना ऊपर वाला, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, इसको पढ़ लीजिए बेटा, निशिका रीड दिस फॉर मी। First amphibians that lived on both land and water. There are no specimens of these left with us. However, these were ancestors of modern day frogs and salamanders. The amphibians evolved into reptiles. They lay thick shelled eggs which do not dry up in sun, unlike those of amphibians. Again, we only see their modern day descendants, the turtle, tortoise, and crocodile. In the next 200 million years, ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि सबसे पहले फिशेस थी, फिशेस से क्या बने बेटा, एम्फीबिया, एम्फीबिया से बना रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग डायरेक्शन में बने, एक बने एव्स एंड दूसरे बने मैमल्स, वेरी क्लियर। तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अच्छा, एम्फीबिया के जो एग थे बेटा, ये थिक शेल नहीं थे, इनके जो एग थे बेटा, मैंने आपको एनिमल किंगडम में ऑलरेडी बताया था बेटा कि इनके जो एग थे वो जेली लाइक एग होते थे, ठीक है। एंड आपको मैंने जब
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो एक फीमेल फ्रॉग होती है वो कितने अंडे देती है। ठीक है, एक टाइम पे 2500 अंडे देती है वो। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को पता है बेटा। चलिए, इसके बाद ये भी पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पूरा ही खत्म कर लेते हैं, पढ़िए इसके बाद। And sizes dominate on Earth. Giant ferns, pteridophytes, were present, but they all fell to form coal deposits slowly. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish, like reptiles probably 200 million years ago. Example, Ichthyosaurus. The land reptiles were, of course, the dinosaurs. The biggest of them, that is, the Tyrannosaurus Rex, was about 20 feet in height and had huge, fearsome teeth. Dagger-like teeth. About 65 million years ago, the dinosaur suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic changes killed them. Some say most of them evolved into birds. The truth may live in between. Small-sized reptiles of the era still existed today. The first mammals were like shrews. Their fossils are small बस size. यहाँ पे रुक जाओ बेटा, Mammals were ठीक है। vivipar. अच्छा चलिए, स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा। देखिए, कुछ डायनासोर्स ऐसे थे कि वापस वो चले गए हैं इनटू फिश लाइक, तो उसका एग्जांपल है इक्थायोसोरस बेटा। इसके बाद अगर आप जो जुरासिक पार्क के सारे एपिसोड देखेंगे या सारे मूवीज देखेंगे, तो आपको सबसे कॉमन जो खतरनाक वाला टाइनोसोरस रेक्स था बेटा, या आप इसको बोल सकते हो टी रेक्स, ठीक है। इसके ऊपर सबसे खतरनाक मूवीज बनती थी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था। इसके डैगर लाइक टीथ थे ना। व्हाट डू यू मीन बाय डैगर लाइक टीथ एनी वन? डैगर लाइक टीथ क्या होता है बेटा? खंजर की तरह दांत थे इसके। चाकू हाँ यस, चाकू जैसे थे उसके दांत, ये ऐसे थे ऐसे, डैगर लाइक टीथ। वेरी क्लियर बेटा। तो अगर इसके पंजे में मतलब कोई चला गया, कोई एनिमल चला गया, तो वो मर के ही वापस आता है ना बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, अबाउट 650 मिलियन ईयर अगो डायनासोर्स सडनली डिसअपियर। अब इसके पीछे बहुत सारी थियोरीज है बेटा, कि कोई बोलता है कि क्लाइमेटिक चेंज था इसकी वजह से वो मर गए, कुछ बोलता है कि दे इवॉल्व इनटू बर्ड्स, ठीक है। अगर आप बोलेंगे स्मॉल साइज का अगर डायनासोर का कोई वंशज बचा हुआ है, तो वो कौन है आज की डेट में? बताया था ये बात मैंने आपको। यस, क्रोकोडाइल जो है बेटा, आप उसको 110% कोरिलेट कर सकते हो कि इट इज़ द जो वंशज है डायनासोर का, वंशज है बेटा, ठीक है। क्रोकोडाइल इज द वन, ठीक है। तो स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट, तो ये कौन से है बेटा? ये क्रोकोडाइल की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैमल्स वर श्रू लाइक। श्रू मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय श्रू? माउस लाइक ऑर्गेनिज्म, छुछुंदर। यस, माउस लाइक ऑर्गेनिज्म या छुछुंदर भी आप उसको मेन करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का पढ़ लिया बेटा यहाँ से। द फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रू श्रूस देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज मैमल्स वेयर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबोर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी मैमल्स वेयर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट When reptiles came down, mammals took over the earth. There were in South America, mammals resembled horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, कि अपने अपन जो मैमल्स थे वो बहुत ही छोटे साइज के थे, और इस टाइम का इस चीज़ का सबूत मिलता है अपने को कि डायनासोर्स एंड मैमल्स को एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। क्योंकि जैसे आपको डायनासोर के फॉसिल मिले हैं ना, उसी तरह छोटे छोटे साइज के मैमल्स के भी फॉसिल्स मिले हुए थे। मतलब जब डायनासोर थे तब मैमल इवॉल्व हो चुके थे। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या बोल रहे, लेकिन उनका साइज जो था वो बहुत छोटा था, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कीजिए, एक डायनासोर के सामने छछुंदर है ना,
वैसा उसका सिचुएशन थी। जैसे आज अपने सामने आर्थ्रोपोडा है ना, जैसे आप आपके सामने कॉकरोच कैसा है, आप बहुत बड़े हो एंड कॉकरोच आपके सामने एक पिद्दू सा है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी अर्थ का जब फिर से डिस्ट्रक्शन होगा या मैमल्स का फिर से डिस्ट्रक्शन होगा, तब जाके आर्थ्रोपोडा का ही जन्म आएगा। क्योंकि व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल टुक ओवर द वर्ल्ड। जब रेप्टाइल्स का पतन हुआ, जब उनका वो जब उनका विनाश की कगार पे चले गए, तब मैमल्स का राज आया, मैमल्स का उदय हुआ। वेरी क्लियर बेटा। तो इसी तरह जब अपना कुछ ऐसा कुछ गलत हो जाएगा मैमल्स के साथ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आर्थ्रोपोडा या फिर जो कॉकरोच प्रजाति है ना, ये वर्ल्ड पे रूल कर सकती है। वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के ये जो कॉन्टिनेंट थे, पहले तो सेपरेट थे लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मैंने आपको बताया था बेटा कि टेक्टोनिक प्लेट्स आज की डेट में भी मिलते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ए ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर, जिसको मैंने बोला था पैंजिया। लेकिन आज की डेट में नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, फिर यूरोप का पार्ट है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाता है ना, एशिया इधर आ गया। वेरी क्लियर बेटा। तो ये जो है अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट। ठीक है, तो जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिला, तो उसको जो उसके एनिमल्स थे उसको सेम तरह का फौना एंड फ्लोरा मिला। ठीक है, एंड जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ही तरह के एनिमल्स मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ये पूरे कॉन्टिनेंट्स एक साइड, एंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले सेपरेट हो गया था, तो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स थे इनको सबसे कम कंपटीशन झेलने का चांस था। इसलिए यहाँ पे अभी भी आज के डेट में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो कि कहीं और नहीं मिलते हैं, जैसे कि कंगारू। वेरी क्लियर बेटा, जिसको अपन बोलते हैं पाउच्ड मैमल्स, क्योंकि इनके पाउच में क्या रहता है, उनका छोटा सा बेबी रहता है ना। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लैक ऑफ कंपटीशन झेलना पड़ा था वहाँ के मैमल्स को, इसलिए उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए बेटा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये, पढ़ो। व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस आर सम एग्जांपल्स। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। यू विल पूर्वा लर्न अबाउट दिस तोगावकर, इन हायर क्लासेस। द मोस्ट एक सक्सेसफुल सेकंड, एक सेकंड स्टोरी बेटा, पूर्वा तोगावकर है वहां पे? हाँ बता, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स बता। हट, कुछ भी, करेक्ट सीक्वेंस बता भाई। इयो हिप्पस, मैरी हिप्पस, मैरी चिप्पस। हाँ तो बता ना कौन से पीरियड में था, किसकी हाइट कितनी थी, कितने डिजिट्स अवेलेबल थे, वो सब बता। सबसे पहले था इयो हिप्पस, फिर मीजो हिप्पस, फिर मैरी चिप्पस, फिर प्लियो हिप्पस, एंड लास्ट में इक्वस था। जो फर्स्ट वाला था बेटा वो 30 सेंटीमीटर्स का था, जो सेकेंड वाला था वो 60, उसके बाद 100, उसके बाद 120 एंड उसके बाद 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसके पास 5 डिजिट्स थी, 3311। याद आया कि नहीं बाबा, कुछ याद आएगा? अरे बाबा ये पढ़ा चुका हूँ मैं, याद नहीं आता तो फिर से याद करो। इयो हिप्पस, मीजो हिप्पस, मैरी चिप्पस, प्लियो हिप्पस एंड इक्वस। ठीक है, जो इयो हिप्पस था बेटा उसका इपोच आपको याद होगा, इयोसीन इपोच बताया था। मीजो हिप्पस का जो इपोच था वो ऑलिगोसीन इपोच बताया था। उसके बाद मैरी जो चिप्पस था उसका बताया था मियोसिन, एंड उसके बाद प्लियोसिन, एंड लास्ट इक्वस का था बेटा प्लीस्टोसिन इपोच। ठीक है, पढ़ नहीं रहे क्या रे बाबा लोग, पढ़ो इतना। ये एक छोटा सा लाइन में है बेटा, लेकिन इसका पूरा मैं डिटेल आपको बता चुका था। वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं बेटा। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हुआ है, एलिफेंट हुआ है, डॉग हुआ है। ठीक है, तो इसका दीज आर द स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एंड डॉग का तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बेटा, क्योंकि वो उसको अपन ने पालतू बनाए थे। ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक एनिमल इसको बना दिए थे। दिस इज द डिसेंडेंट ऑफ वुल्फ ओनली,
वुल्फ का ये पूर्व ये है बेटा, इसके पूर्वज वुल्फ थे लेकिन इसको अपन ने डोमेस्टिकेट किए कर दिए है। ठीक है चलिए आगे बोलिए। लास्ट लाइन बोलो बोलो। The most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness. A rough sketch of the evolution of life form, their times, and the geographical scales are included in figure 7.9 and 7.10. Who gave Nishika? Who gave geological scale? Time scale. Who gave geological time scale? What is the name of the scientist? निशिका, निशिका को जियोवनी एडविना, जियोवनी एडविना बताया था ना बाबा 1876 में इसने दिया था। सबसे बड़ा क्या है बताइए, सबसे बड़ा क्या है, एरा पीरियड या इपोच? एरा से भी बड़ा क्या है, एरा से भी बड़ा क्या है? यस सबसे बड़ा इयोन, इयोन में आएंगे बहुत सारे एरा, एरा में आएंगे बहुत सारे पीरियड, एंड पीरियड में आएंगे बहुत सारे इपोच। बताया था ना बेटा ये बात मैंने आपको, है ना? ठीक है चलिए, तो ये बात अपने को पता है बेटा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन अपन स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स विच आर गिवन इन योर शीट इट्सेल्फ। ठीक है शीट में भी दिया है एंड ये पढ़ाता ही हूँ मैं हर बार। ठीक है तो इसको अपन ज़रूर देख लेंगे बेटा। ठीक है एक थोड़ा अभी तो वैसे भी कट होने वाला है लेक्चर, तो अपन एग्जैक्टली एट 5:15 को मिलता है बेटा, 5:15 को। ओके तब तक ये ज़रूर देख लीजिए, मैं आपको ये पूरी चीज़ें भेज देता हूँ। ठीक है इसको ज़रूर देख लीजिए, अपन ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके यस ये भी एक अच्छी चीज़ है कि सीनोजॉइक जो एरा था बेटा इस ये 650 मिलियन ईयर अगो था, एंड यहाँ पे जो डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए थे एंड मैमल्स का उदय हो गया था। फिर मीजोजॉइक एरा था बेटा, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑफ रेप्टाइल्स, इसमें से क्वेश्चन आता है कभी कभी। पैलियोजॉइक एरा जो होता है इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबिया। ठीक है बेटा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, सबसे पहला जो था ये प्री कैम्ब्रियन एरा था बेटा। ठीक है उसके बाद पैलियोजॉइक एरा आया, फिर मीजोजॉइक एंड सीनोजॉइक एरा। सो ये सबसे लेटेस्ट एरा है बेटा। ठीक है यहाँ पे जो था ये वन सेल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, यहाँ पे देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे। इसके बाद वो काय में कन्वर्ट हुए, फिशेज में, फिशेज फिर कन्वर्ट हुए बेटा प्लांट्स एंड इंसेक्ट एंड ये सारी चीज़ों में। उसके बाद फिर वो एम्फीबिया में कन्वर्ट हुए, एम्फीबिया के बाद वो रेप्टाइल्स प्लांट्स, ठीक है फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड इसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स का उदय हुआ। ठीक है तो दिस इज द चार्ट, एक बार देख लीजिएगा बेटा इस चीज़ को। ठीक है ये आपको मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है चलिए ओके, ये एक स्पीसिएशन का टाइप है बेटा, स्पीसिएशन का जो एलोपैट्रिक पेरीपैट्रिक पैरापैट्रिक एंड सिंपैट्रिक, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है विथ एग्जाम्पल्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है एंड उसके बाद अपन इवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा इवोल्यूशन ऑफ मैन 110% लिख लो, एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बेटा दिस इज क्वेश्चन 2019 का है ये, एंड इसमें भी एक क्वेश्चन हर बार आता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट साइज ऑफ ब्रेन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे मैच द पेयर के लिए आया था, 4 मार्क आपके ज़रूर पक्के होते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर में से आपके मिनिमम 12 या फिर 16 मार्क्स पक्के होते हैं बेटा। ठीक है तो इसको ज़रूर अपन अच्छे से कर लेंगे। एक ओके सभी लोग आ गए। ओके चलिए तो ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेटा। ठीक है
प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, राहुल वर्ठी आएगा तीते? राहुल वर्ठी, राहुल वर्ठी, ये कंचन वर्ठी का नाम लेके राहुल वर्ठी आ गए। ओके, आने का ये आ गया। ठीक है बेटा, तो आपको अगर एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से याद है, तो मैंने आपको मैमल्स पढ़ाते समय, मैमल क्या था भैया? मैमल थी एक क्लास, ठीक है? आपको पता है बेटा, एक फाइलम था, फाइलम का नाम था कॉर्डेटा, ठीक है? फाइलम का नाम था कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में एक, उसके अंदर एक क्लास थी बेटा, जिसका नाम था मैमल्स। उस क्लास में 16 ऑर्डर्स मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? 16 ऑर्डर्स। एंड उसके सबसे लास्ट ऑर्डर में मैंने आपको बताया था बेटा कि वो लास्ट ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, ठीक है? अब प्राइमेट्स का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो होता है प्रोजोमियंस एंड आर्थ्रोपॉइड्स, ठीक है? इसमें प्रोजोमियंस में आता है बेटा लीमर्स एंड लॉरसल्स, ठीक है, एंड टारसियर्स। उसके बाद जो एंथ्रोपॉइड्स होते हैं, इसमें आते हैं बेटा न्यू वर्ल्ड मंकी, इसमें आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। कभी आपको पूछा जाए कि जो ह्यूमंस होते हैं, होमिनॉइड्स, ठीक है, ये जो होमिनॉइड होते हैं ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी या ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तो आपको पता होना चाहिए बेटा वी आर डिराइव्ड फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड मंकी। वेरी क्लियर, ठीक है? तो ये भी एक डायग्राम है, एनसीईआरटी के बाहर का है बेटा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये सॉल्व कर देता है, ठीक है? क्योंकि होमिनॉइडी जिसमें आते हैं बेटा एप्स एंड मैन, वो ओल्ड वर्ल्ड मंकी को बिलोंग करता है, एंथ्रोपॉइड्स का आता है। ये इसका आप बोल सकते हो सब ऑर्डर है, एंथ्रोपॉइड्स एंड प्रोजोमोइंस, ये सब ऑर्डर होते हैं प्राइमेट्स के। वेरी क्लियर, ठीक है? तो देखिए इसको जरा एक बार, ओके, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं एक नए डायग्राम के साथ। ओके, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था अभी, ठीक है? तो ये सबसे पहले पुराने प्राइमेट्स हुए। तो सबसे पहले जो प्रोजोमियंस में है, इसमें आते हैं लीमर्स एंड लॉरसियर्स, इसके बाद टारसियर्स आते हैं, इसके बाद एंथ्रोपॉइड्स में आते हैं बेटा न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है, गिब्बन्स, ऑरेंगुटैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड ह्यूमन। तो इसमें से ये वाले जितने भी है, यहां से लेके यहां तक, ये आते हैं बेटा होमिनोइडी में, ठीक है? किसमें आते हैं ये? होमिनोइडी में। जो अभी अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था उसमें ये चार आते हैं मेन। एंड अगर आपको बोला जाए कि 99% अपना जो डीएनए है बेटा वो चिंपैंजी से मैच करता है, बिकॉज अगर आपको पूछा जाए कि विच इज द सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ राइट नाउ, तो वो रहेगा बेटा चिंपांजी, एंड अपना डायरेक्ट एंसेस्टर चिंपांजी को ही बोला जाता है। वेरी क्लियर, ठीक है? ओके, तो ये शीट मैं आपको दे दूंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है? ये मेरी गंदी सी हैंड राइटिंग में मेरे नोट्स थे, उससे बेटर मैं आपको इसमें ही पढ़ा दूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन बेटा नीट, सॉरी, एम्स एंड जिपर में पूछा जाता था ना, ठीक है? ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको पढ़ाना था ह्यूमन इवोल्यूशन का, ठीक है? ह्यूमन इवोल्यूशन बेटा अपन एक नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। अभी थोड़ी और एक दो चीजें बची हुई है स्पीसिएशन वगैरह की, उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो स्पीसिएशन चालू कर देते हैं, स्पीसिएशन को पहले रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस, ये पढ़िए बेटा, टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन। निशिका, निशिका पढ़, वेज निशिका, हाँ पढ़ो बेटा, हाँ पढ़ो,
ठीक है, नहीं बस रुकिए, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन दिया है, तो मेनली आपको इसमें पांच टाइप याद रखने हैं। नंबर एक एलोपेट्रिक स्पीसिएशन, नंबर दो पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन, तीसरा है बेटा पैरापेट्रिक स्पीसिएशन, चौथा जो है वो सिंपेट्रिक स्पीसिएशन है, एंड पांचवा जो होता है बेटा वो आर्टिफिशियल स्पीसिएशन हुआ है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ, एक अच्छा थोड़ा सा डिटेल वाला मैं आपको एक बता देता हूँ बेटा, टाइप्स ऑफ स्पीसिएशन क्या होता है। एंड बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट क्यों दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चंद्रपुर किसका सबसे फेवरेट शहर है, आंसर कोई लड़की, किसी का फेवरेट शहर है। अच्छा चलो छोड़ो, ये एग्जांपल थोड़ी देर बाद लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा एलोपेट्रिक स्पीसिएशन, ठीक है। एलोपेट्रिक स्पीसिएशन का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि एलोपेट्रिक में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डार्विन की फिंचेस थी, डार्विन की फिंचेस थी, ये एक अलग आइलैंड पे रह रही है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीड अवेलेबल है, ये एक अलग आइलैंड पे रह रही है जहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल है, ये इंसेक्ट खाने वाली है, ये फिश खाने वाली है, तो अलग अलग हो चुकी है अब ये, ठीक है बेटा। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ की ये जो इंसेक्ट खाने वाली है, क्या ये सीड खाने वाली से जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाके कर सकती है क्या? नहीं, जोग्राफिकल बैरियर आ चुका है। इससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, इसी डायग्राम को शो करते हुए मैं बोलता हूँ बेटा कि एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है। अचानक एक दिन क्या हुआ कि इसमें से बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, या वॉट एवर जो भी हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे एक फिजिकल बैरियर बन चुका है जिसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ का जो ये स्पीशीज है, क्या इधर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इधर का कोई ऑर्गेनिज्म इधर जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। व्हेन टू स्पीशीज आर सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर लाइक माउंटेन, लाइक वाटरवे, लाइक रिवर है, एंड इनका एक से दूसरे की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल होता है बेटा, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं जो फिजिकल बैरियर वाला स्पीसिएशन होता है, इसको बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। अब आपको पता है यहाँ पे ये फिंचेस में भी सेपरेशन हो चुका है, अब आपको पता है यहाँ पे सीड ईटिंग फिंच है, यहाँ पे फ्रूट ईटिंग फिंच है, तो ये इधर नहीं आने वाली है, ये उधर नहीं जाने वाली है, वेरी क्लियर। तो अब ये 110% क्या बन चुके हैं, 110% ये सीड ईटिंग बन चुकी है, ये जो बन चुकी है वो फ्रूट ईटिंग बन चुकी है, अब इसमें कोई दोहराई नहीं रहेगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे कोई नदी बह गई है या अर्थक्वेक आ चुका है, एक फिजिकल बैरियर है जिसको क्रॉस करके अपन जा नहीं सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई बैरियर बन रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए बेटा कि यहाँ पे जो स्पीशीज बनी है, न्यू स्पीशीज है, वो अलग अलग है, ये वाली अलग दिखाई देती है, ये वाली अलग दिखाई देती है, ये देखिए ये आपको डार्क ग्रीन दिखाई देगी, ये आपको न्यू लाइट ग्रीन दिखाई देगी, क्योंकि दो अलग स्पीशीज फॉर्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ अ फिजिकल बैरियर, वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए अब समझाता हूँ पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन। अब पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन समझाने के लिए ना बहुत ही ईजी है, पेरीपैट्रिक मतलब इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। चलिए कौन कौन आया है, चाइनी का विश्वास इज देयर, चाइनी का विश्वास, आर यू देयर? अरे भाई इनके ना नेटवर्क की प्रॉब्लम रहता है। चलिए बेटा तो निशिका, आर यू देयर निशिका? मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करोगे क्या बेटा? अरे इसी से रिलेटेड है बेटा, पूछ।
बता, आंसर दे जल्दी, क्यों, वाई? बहुत सही, ठीक। देखिए बेटा, जैसे एक नॉर्मल लड़की की अगर एक बात लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ बेटा कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स था। अगर आप बोलेंगे 1947 के पहले, आपको पता है इंडिया का ही एक छोटा सा, ये जो पाकिस्तान था वो इंडिया का ही एक हिस्सा था, ठीक है, पता है ना अपने को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1947 पे बंटवारा हुआ एंड जो भी हुआ, इसकी वजह से ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से सेपरेट हो गया, पता है अपने को ये बात। अब यहाँ के लोग, इंडिया के लोग उधर नहीं जाते हैं फॉर मैरिज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनीथिंग, उधर नहीं जाते हैं, ना ही उधर के लोग इधर आते हैं, पता है अपने को ये बहुत अच्छे से, वेरी क्लियर। मतलब देखिए, ऐसा नहीं जा नहीं सकते, वीर जरा में शाहरुख खान गया हुआ था, लेकिन अपने को नहीं जाने का है, वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। तो पेरिपेट्रिक में, एलोपेट्रिक में क्या था, एक ऐसा फिजिकल बैरियर था जिसको तोड़ ही नहीं सकते थे अपन, लेकिन यहाँ पे पेरिपेट्रिक में क्या हो रहा है बेटा, फिजिकल बैरियर को तोड़ सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते अपन, ठीक है। एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन से वो सेपरेट हो चुका है, मतलब ये पहले एक साथ ही रहते थे, लेकिन इसमें से अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेपरेट चल गए। अब यहाँ के लोग इधर नहीं आते, इधर के लोग उधर नहीं जाते, तो अब यहाँ पे आपको पता है बेटा कि अलग ही तरह के स्पीशीज बन जाएंगे पाकिस्तानी लोगों को, मतलब आप देख पाएंगे कि वो दिखाई देते कि हाँ अलग से ही दिखाई दे रहे हैं करके, वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। एंड इंडिया के लोग वहाँ नहीं जाते हैं, वेरी क्लियर, जबकि जा सकते हैं, कुछ लोग गए भी है जैसे कि सानिया मिर्जा वगैरह, वेरी क्लियर बेटा। तो जब इस तरह का स्पीसिएशन होता है तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन, पेरिपैट्रिक स्पीसिएशन उसको बोलते हैं, वेरी क्लियर, समझ में आया? ओके ठीक है, चलिए। तो अपने को एलोपैट्रिक समझ आ गया बेटा, एलोपैट्रिक में एक फिजिकल बैरियर था जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, कि हो सकता था कोई बहुत बड़ी खाई आ गई थी या बहुत बड़ा दीवार आ गई थी या फिर कोई रिवर आ गई थी जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। दूसरा केस था बेटा इसमें पेरिपैट्रिक में, कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स छूट गए हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से, अब इधर के लोग वहाँ नहीं जाते एंड वहाँ के लोग इधर नहीं जाते, तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे अलग ही बन चुके हैं। ये ओरिजिनल वाले जो थे वो डार्क ग्रीन है, लेकिन ये वाले जो है वो क्या हो गए, लाइट ग्रीन या येल्लो हो चुके हैं, वेरी क्लियर बेटा। तो इस तरह के स्पीसिएशन को मैं क्या बोलूँगा, पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन, ठीक है। ओके, अब आते हैं बेटा पैरापैट्रिक स्पीसिएशन पे, वेरी क्लियर, ठीक है। ओके, स्नेहा सिदाम आएगा दीदे? हाँ, शादी के बाद गढ़चिरौली में रहना पसंद करोगे या चंद्रपुर में? अगर शादी हुई तो गढ़चिरौली जाओगे या चंद्रपुर में ही रहना पसंद करेंगे आप? अरे बोल भाई, इतना टाइम ही है, लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो गढ़चिरौली तेरे को पता नहीं है क्या, नक्सलाइट एरिया है वो, नक्सलाइट एरिया है। रहने दे, ठीक है, अगर मैं होता तो मैं नहीं जाता था, ठीक है। अब सुनिए, एग्जांपल सुनिए बेटा, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा एरिया है ना, चलिए ये मान लेते हैं एक छोटा सा जंगल है बेटा, एंड जंगल वाले एरिया में ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म था, ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये था, ये था, ये था, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे। अब हुआ ये कि यहाँ पे ना एक छोटा सा एक नदी नाला टाइप एक एरिया आ गया, मतलब छोटे से कैक्टस के पेड़ उग चुके हैं या फिर छोटी सी गंदी जो नाला बहता है ना वो आ गया है, यहाँ के ऑर्गेनिज्म उसको क्रॉस करके इधर जा सकते हैं एंड इन ऑर्गेनिजम्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर भी सकते हैं, इधर के भी ऑर्गेनिज्म इधर जा सकते हैं, लेकिन उनको क्रॉस करने के लिए एक गंदे से नाले को पार करना पड़ेगा या छोटे से कैक्टस के पेड़ को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते हैं, वेरी क्लियर। तो इस तरह के जो स्पीसिएशन होता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं,
पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। अब आप बोलेंगे ये तो एक ही एरिया में है, आप ऐसा बोलेंगे ये तो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही है, ये हो गया चंद्रपुर, ये हो गया कौन सा बोला रहे गढ़चिरौली, वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ पे जा सकते हैं लेकिन ड्यू टू एनी कंडीशन कि वहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है या एनी अदर रीज़न, यहाँ के लोग उधर जाना जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं है। तो इस तरह के स्पीसिएशन को मैं क्या बोलूँगा बेटा, इसको बोलूँगा पैरापेट्रिक स्पीसिएशन, ठीक है। स्पीशीज आर स्प्रेड आउट इन अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, स्पीशीज कैन मेट विथ मेट विथ ईच अदर बट दे डोंट मेट इन द सेम, दे डोंट क्रॉस दैट एरिया एंड दे वॉन्ट टू मीट इन देयर सेम जोग्राफिकल एरिया। मतलब इधर के जो ऑर्गेनिज्म है ये इधर ही रहना चाहते हैं और इधर के जो ऑर्गेनिज्म है उधर ही रहना चाहते हैं, वेरी क्लियर। तो इस तरह के स्पीसिएशन को क्या बनूंगा बेटा, पेरीपैट्रिक। क्यों? क्योंकि थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे तो यहाँ के स्पीशीज बहुत अलग दिखने लगेंगे एंड उस साइड के स्पीशीज कुछ अलग दिखने लगेंगे, वेरी क्लियर। तो इस तरह के स्पीसिएशन को क्या बोलता हूँ बेटा, इस तरह के स्पीसिएशन को बोलता हूँ पैरापेट्रिक, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक मतलब एक कोई तो भी जंगल था, उसके बीच में नदी आ गई, बहुत बड़ी खाई आ गई है, अब इधर के ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही खतरनाक फिजिकल बैरियर आ चुका है जिसको क्रॉस किया नहीं जा सकता है। तो अगर एक ज्योग्राफिकल बैरियर आ चुका है, एक फिजिकल बैरियर आ चुका है बेटा, तो इसको मैं बोलूँगा एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा कि ये इंडिया है एंड ये छोटा सा पाकिस्तान है, अब यहाँ के लोग उधर नहीं जाते, उधर के लोग इधर नहीं आते। व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम ओरिजिनल ग्रुप दे डोंट एक्चुअली हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद ईच अदर, तो ये किस तरह का स्पीसिएशन हो गया, पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन। इसके बाद पैरापेट्रिक स्पीशिएशन, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है एंड इधर एक छोटा सा गंदा नाला आ गया है या कैक्टस के पेड़ आ गया या वॉट एवर रीज़न, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे सर्वाइव नहीं करना चाहते हैं, मूड नहीं है, तो उस वजह से जो स्पीसिएशन होता है उसको बोलते हैं बेटा पैरापेट्रिक। अब इधर के ऑर्गेनिजम्स कुछ सेपरेट दिखाई देने लगेंगे एंड इधर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के स्पीसिएशन को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इस तरह के स्पीसिएशन को मैं बोलता हूँ क्या बोलूंगा इसको मैं, पैरापेट्रिक। लास्ट जो है बेटा ये है सिम्पैट्रिक, ठीक है। तो सिम्पैट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ हीना का। मेरी एक फ्रेंड थी हीना, आपको पता ही होगा, आपने वीडियो वगैरह में देखे होंगे शायद उसको। तो हीना का ये था कि वो थोड़ी सी सांवली थी, ठीक है। तो वो बोलती थी कि यार मेरे को एकदम गोरा लड़का नहीं चाहिए करके, मेरे को मेरे जैसा काला या सांवला चाहिए ताकि वो मेरे को बहुत अच्छे से रखे, जैसे कि काजल और अजय देवगन की मेरे से काले लड़के से शादी करूँगी। मतलब जो उसके दिमाग में था मैं वो बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो उसने क्या कि थोड़े से काले सांवले व्यक्ति से शादी की, उसका ये मानना था कि जिसकी हैबिट्स मेरे जैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि एक होती है गोल्डन स्पैरो, एक होती है गोल्डन स्पैरो, एक ही स्पीशीज के तीन अलग अलग कलर के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक था येलो स्पैरो, ठीक है, एक था ब्राउन स्पैरो और एक था उसके लिए गोल्डन स्पैरो, दिस इज अ फीमेल गोल्डन स्पैरो, ठीक है। तो अब इसने इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, इसके पास येल्लो स्पैरो भी है, सेम स्पीशीज है बस कलर अलग है, इसके पास सेम स्पीशीज़ है लेकिन ब्राउन कलर है, सेम स्पीशीज़ है लेकिन गोल्डन स्पैरो है। तो अब ये गोल्डन फीमेल किसको चूज़ करेगी, बोलेगी यार ये जो गोल्डन है मैं इसी को चूज़ करती हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी जो फूड हैबिट्स है वो मेरे जैसी है, ये भी सुबह रात सुबह 9 बजे उठता है, मैं भी 9 बजे उठती हूँ, सेम खाना पसंद करता है जैसे मैं खाना पसंद करती हूँ, मेरे को भी आमलेट पसंद आता है सुबह नाश्ते में, इसको भी पसंद आता है, ठीक है, इसको कुछ भुजिया पाव पसंद आता है, इसको वड़ा पाव पसंद आता है, मेरे काम के नहीं है ये। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के फूड हैबिट्स देखने लगे, अपनी ही तरह की हैबिट्स देखने लगे, मतलब मेटिंग कंपैटिबिलिटी देखने लगे, कैरेक्टर्स देखने लगे, शेल्टर देखने लगे, ये जब चीज़ें देखने लगे जब कोई ऑर्गेनिज्म, तो उस तरह के स्पीसिएशन को क्या बोलेंगे बेटा, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन बोलते हैं, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन उसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे ना छोटा सा येल्लो डॉट जो है वो गोल्डन स्पैरो का डॉट है,
तो इसने क्या कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पैरो भी अवेलेबल थे, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे येल्लो स्पैरो अवेलेबल था, इसके बाजू में यहाँ पे ब्राउन स्पैरो भी अवेलेबल था, लेकिन इसने किससे शादी की, इसने गोल्डन वाले के साथ ही शादी की, तो गोल्डन वालों का एक अलग ही ग्रुप बन गया है। वेरी क्लियर, समझ गया बेटा? तो इस तरह के स्पीसिएशन को मैं क्या बोलूंगा, इस तरह के स्पीसिएशन को बोलूंगा सिम्पेट्रिक। ठीक है, समझ आ गया बेटा सभी को? तो एलोपेट्रिक जोग्राफिकल एरिया क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि अपन ने देखे थे बेटा किसमें, डार्विन की फिंचेस में। पेरिपेट्रिक में आप ऐसे बोल सकते हो इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो गया, जिसकी वजह से इधर उधर जा नहीं सकते थे, तो इस तरह के स्पीसिएशन को बोलूंगा पैरापेट्रिक, सॉरी पेरिपेट्रिक। पैरापेट्रिक का मतलब था कि एक छोटा सा बैरियर आ चुका है जिसको क्रॉस करके जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा पैरापेट्रिक। एंड सिम्पेट्रिक मतलब जब वो फूड हैबिट्स, कैरेक्टर्स, शेल्टर, हाउ दे रिप्रोड्यूस, इन सारी चीज़ों को, कलर को इम्पोर्टेंस देने लगे, तो उसको बोलते हैं बेटा सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन, है ना? ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा, अभी आपका कोई और लेक्चर है क्या? साढ़े 6 बजे किसी का लेक्चर? हाँ बोलिए बेटा। पता नहीं, मैसेज नहीं आया। हाँ शायद आज DKP सर की तबीयत खराब थी बोले ना, इसलिए वो नहीं ले पाएंगे शायद। ठीक है, चलिए तो आज के लिए ये पे रुक जाएगा बेटा अपन। ठीक है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में फुल डिटेल में कर लेंगे। ओके, और ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे, ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, न्यू वर्ल्ड मंकी ओल्ड वर्ल्ड मंकी का क्या डिफरेंस है करके, एंड ह्यूमन का क्लासिफिकेशन। ओके ठीक है, आज के लिए रुक जाता है बेटा। ओके थैंक यू। ज़्यादा बोल दिया।